Ready? सुनिए एक मिनट बहन जी, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मैं आंखों से अंधा हूं और अभी अभी एक लड़की के हाथों से थप्पड़ खा के आ रहा हूं। जी लड़की मैं ही थी। ओ, पेंटों वाली जी, मुझसे गलती हो गई। मैं आपकी कोई गलती नहीं, सारा कसूर तो मेरे इस अंधेपन का है। तो आपने मुझे माफ कर दिया? जी चलिए, आपको जहाँ जाना है मैं आपको छोड़ देती हूँ। अब आप इतना जिद कर रही हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ, आइए ना। क्या हो गया? क्या बोलते हो? बादशाह ने लड़की को पटा लिया है और यहाँ पर ले जा रहा है। बस बस बस, मेरा घर आ गया। लेकिन आपको कैसे पता चला कि आपका घर आ गया? यहीं पास ही में एक तबेला है ना, उसी की खुशबू से। ओह अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, अब यहाँ तक आई हैं तो इस गरीब की कुटिया में एक कप चाय तो पीकर चाहिए। रात बहुत हो गई है, फिर कभी। ठीक है, जैसी ऊपर वाले की मर्जी। मौसम में बारिश? हमारी बस्ती में अक्सर ऐसा होता है। मुझे लगता है कि ऊपर वाले की भी यही मर्जी है कि जब तक बारिश ना रुके आप मेरे करीब खाने में रहते। आइए ना। चली गई? नहीं, आइए ना। ओके, आइए आइए, मेरे गरीब खाने में आप आई। आइए आइए, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। संभल के। माफ कीजिएगा, सारा सामान बिखरा पड़ा है। मैं ये कपड़े उठा के जरा इधर ट्रंक में डाल देता हूँ। मेरी किताबें भी ऐसी पड़ी हैं, यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है ना, विद्या की कदर ही नहीं है किसी को। और देखिए बारिश बाहर हो रही है, छतरी यहाँ पर पड़ी है, मैं इसे यहाँ घड़ियाल पर टांग देता हूँ। अब आइए। कमाल है, आप बिना देखे हर चीज सही जगह पर रखते हैं। कमाल कुछ भी नहीं, एक्चुअली सब कुछ गिना हुआ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये तीन कदम पर टीवी, ये तीन उल्टे कदम पर आप, ये पाँच कदम पर फ्रिज, ये उल्टे पाँच कदम पर आप। पाओ, भूख लगी आपको? नहीं। कोई बात नहीं, खाइए। अरे वाह, शीशा नहीं टूटा और अखरोट टूट गया। ये कमाल है, लेकिन ये कमाल आप भी कर सकती हैं। अपना दाहिना हाथ दीजिए, दीजिए दीजिए। अब इस अखरोट को अपने दाहिने हाथ की दो उंगलियों और एक अंगूठे के अंदर दबाइए, दबाइए। अब इन दोनों को 45 डिग्री राइट में घुमाइए और हाथ के जोर से नहीं, शोल्डर के जोर से फेंकिए, फेंकिए। हुआ? It's amazing. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Sorry, मुझे लगता है आपको सर्दी से जुकाम हो गया है। एक मिनट, एक दो तीन चार पाँच। सुनिए मुझे ठंडा नहीं पीना। मैं आपको ठंडा नहीं दे रहा हूँ, मैं तो आपको कपड़े दे रहा हूँ। ठंडा तो हम अलमारी में रखते हैं, ले लीजिए, चेंज कर लीजिए। तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म स्पेशल A1 चाय बनाकर लाता हूँ, कड़क मीठी शक्कर कम लाइट। एक दो तीन चार पाँच। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे आप मुझे ही देख रहे हैं। मैं आप ही को देख रहा था। क्या? इन आंखों से नहीं, मन की आंखों से। क्या आप जन्म से ही? नहीं, जन्म से तो मैं गरीब भी नहीं था। मेरे पिताजी बहुत ही हैंडसम रईस थे, ये इस दीवार पे उनका एक फोटो होगा। होना लूलू में हमारी हैंडलूम की फैक्ट्रियां थी, तीन चार बंगले, 10-12 गाड़ियां,
लेकिन एक दिन हमारी फैक्ट्री में आग लग गई और पिताजी उस सदमे से चल बसे। मेरी माँ को तो मैंने पैदा होने से पहले ही खो दिया था। फिर मेरी इस वीरान अकेली जिंदगी में मीना आ गई। मेरी ये खुशी भी शायद कुदरत को मंजूर नहीं थी। एक दिन वो रास्ते से जा रही थी कि अचानक सामने से ट्रक आ गया। मीना अपनी मस्ती में थी, उसको कुछ मालूम नहीं पड़ा। मैं दूर से चिल्लाया मीना, लेकिन मीना ने मेरी आवाज नहीं सुनी। ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। मैं सड़कों पर चिल्लाने लगा मीना मीना मीना, अरे कोई है, अरे कोई मेरी मीना को बचाओ, अरे उसके सामने से कोई ट्रक को हटाओ। लेकिन मेरी सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहा था, मैं उसकी तरफ दौड़ा। ट्रक उसको कुछ चलने ही वाला था कि मैं उसकी तरफ लपका, मैंने उसे हटाया। लेकिन उस ट्रक की हेडलाइट्स ने मेरी आंखों की लाइट हमेशा के लिए छीन ली। और मीना जी वो कैसी है? मीना जी, मीना मीना तो अब मेरे साथ ही है, और अब तो वो दो बच्चों की माँ भी बन गई है। कहाँ है वो? यही होंगी। अरे इधर ही गई। सॉरी मीना, मीना, अरे देखो कोई मिलने आया है। यही है मेरी मीना। ये मीना है? हाँ, आ जाओ। मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। लेकिन अफसोस ये है कि अब मैं अपनी मीना को देख नहीं सकता। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपकी आंखों का इलाज हो सकता है अगर डॉक्टर रुस्तम चाहे। लेकिन डॉक्टर रुस्तम की फीस 20,000 रुपए है, और मेरी जेब में तो 20 रुपए भी नहीं है। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, सारा खर्चा मैं दे दूंगी। सच कह रही हैं? अगर आप इतनी दोस्ती से कह रही हैं तो मैं कल ही ऑपरेशन करा लेता हूँ। अब देखिए ना, आपने मुझे अपना दोस्त भी बना लिया, और मैंने आपका नाम तक नहीं पूछा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है। ओके, मेरा नाम बाबूलाल है, लेकिन शॉर्ट के लिए आप मुझे राज कह सकती हैं। कोई बात नहीं, तो फिर ठीक है। कल डॉक्टर रुस्तम के क्लिनिक पर ले जाने के लिए मैं आपको यहीं से पिकअप करूंगी। अरे नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं 8:02 पे आपको बस स्टॉप पर मिल लूंगा। ठीक है। अरे बारिश भी रुक गई। खाली हो गई होगी टैंकी। क्या टैंकी यू कहना खाली बाकी रह गया है। अब आप जाइए। एक मिनट, मेरे पास ये कुर्ता एक ही है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके। आ गए बस यही बस आ गए। अरे ये इलाका तो बिल्कुल आपके घर जैसा है। अच्छा, मेरे घर जैसा है? मुझे तो मालूम ही नहीं, मैंने तो अपना घर देखा नहीं ना कभी। I'm sorry। कोई बात नहीं। क्या है कि पूरा कॉम्प्लेक्स लोखंड वाला ने बनाया ना, इसलिए सारी बिल्डिंग्स एक जैसी हैं। चलें, 8:04 हो गए। Of course। Excuse me। Yes, आप लोगों का अपॉइंटमेंट है? हाँ, हमारा 8:05 का अपॉइंटमेंट था, लेकिन हम आधा मिनट लेट हो गए। ओ ठीक है ठीक है, आप लोग बैठिए, डॉक्टर साहब अभी ऑपरेशन थिएटर में, अभी आते होंगे। हाँ सुपारीट, ऑपरेशन सक्सेसफुल। अरे कितना बड़ा ऑपरेशन था, मैंने एक बच्चे को मेंढक की आंख फिट करके आया। बोलो मेंढक की आंख? हाँ, बच्चे की आंख का साइज छोटा होता है ना, तो प्रॉब्लम नहीं आता। डॉक्टर साहब, क्या आप इनको भी मेंढक की आंख लगाएंगे?
अरे दिख रहा, मैं पागल हूँ, इसको भेंडे की आग लगाऊंगा। अरे इसको तो मैं दो अलग अलग आग लगाऊंगा, एक बकरे का दूसरा उल्लू का। जी हाँ, देख बकरे की आंख से उसको दिन में दिखेगा पर उल्लू की आंख से उसको रात में भी दिखेगा। डबल बजाने सिंगल डम, डॉक्टर रुस्तम जिसका नाम। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप मुझे इंसान की आंखें नहीं लगा सकते? हाँ। देख इंसान की आंख लगाने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 5,000 एक्स्ट्रा होएगा उसका फायदा क्या है? जी मैं पूरे 25,000। नहीं नहीं सीमा रहने दो, मैं उल्लू और बकरे की आंख से काम चला लूंगा। नहीं राज, तुम्हें मेरी कसम, अभी ऑपरेशन का टाइम हो गया है, अभी अंधेरा हो जाएगा ना तो मेरे को भी दिखेगा नहीं। क्यों? ये जो मेरी दोनों आंखें हैं ना, ये बकरे का है। चलो चलो, सॉरी यार। ओके, अरे इतना बड़ा ऑपरेशन है तो मेरे साथ चलता है। अरे चलो चल पहले, चलो जल्दी करो, जल्दी करो, खदेड़ा कितना डेंजर केस है मालूम है? चलो हरी अप, हरी अप। ऑल द बेस्ट राज, मेरा इंतजार करना सीमा, मेरा इंतजार करना। बादशाह भाई कैसा लगा? कैसा क्या लगा बेवकूफ, अंदर क्या बेकार की बातें कर रहा था तू भी? दो आंखें लगाऊंगा, एक बकरे की और एक उल्लू की। अरे उसको इंप्रेस करने के चक्कर में जरा ज्यादा बोल दिया मैंने। अबे साले तेरे इंप्रेस करने के चक्कर में सारा भांडा फूट जाता, सब मालूम पड़ जाता उसको। मैंने पहले बोला मेरे को डॉक्टर का जमता नहीं है, तो क्या बनना तेरे को फिर? मैं हमेशा कंपाउंडर बनता हूँ ना। कंपाउंडर बनता हूँ बेवकूफ। देखो बादशाह भाई कितनी मेहनत करता हूँ, आप मेरे को ऐसा बोलते हैं। पट्टी लगा, पट्टी लगा। कितनी मेहनत करता हूँ, दुख होता मालूम है क्या? ऑपरेशन सक्सेसफुल। इतनी जल्दी पट्टी खोलेंगे आप? अरे दिख रही, ये लेजर ऑपरेशन है, इसमें तुरंत पट्टी निकालना पड़ता है। कंप्यूटर ऑपरेशन होता है ना तो हम लोग पट्टी लगाता नहीं है। अच्छा। चल दिख रहा, अभी तू सबसे पहले किसको देखेगा बोल? मैं सबसे पहले उस देवी के दर्शन करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मेरी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी ईस्ट में कलर होने जा रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। चल दिख रहा, अभी जल्दी से एक झटके में आके कॉल। दाई खोलूं कि बाई? दोनों एक साथ कॉल, नहीं तो तेरी देवी है ना तेरे को आरी आरी दिखेगी। चल कॉल। मैं देख सकता हूँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। सीमा ना, सीमा तुम कितनी सुंदर हो और ये हॉस्पिटल कितना आलीशान है। बहन, आंटी, 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 आप भी कितनी अच्छी है। और डॉक्टर साहब, आप कितना अच्छा हिलते हैं। बहुत प्रैक्टिस किया दिख रहा। थैंक यू डॉक्टर। ओह आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। अभी नहीं, अभी नहीं, ए तीसरा ऑपरेशन है, चलो चलो। सीमा थैंक यू वेरी मच। I'm so happy, Raj. Maybe. अखरोट खाओगी? इन आंखों से दुनिया कितनी रंगीन लगती तुम्हारे लिए। कमाल है, आज भी अखरोट टूटा और शीशा नहीं टूटा। कुछ कमाल नहीं है, अगर अखरोट फेंकने वाले के दिल में किसी के लिए प्यार हो तब अखरोट नहीं सिर्फ शीशा टूटता है, ये मेरा मानना है। मैं नहीं मानती। नहीं मानती? एक सेकंड, ट्राई करो। फेंको फेंको। हो गया, इसका मतलब है कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है और तुम्हारी आंखों में तो मुझे मेरा ही चेहरा दिख रहा है। कहीं तुम्हें मुझे भी इधर आओ। मिस्टर बादशाह, मैंने अपनी बेटी की शादी नितिन से करवाने का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दिया था और तुम खुद उसके साथ। नहीं 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 झुंझुनवाला साहब, आप गलत समझ रहे हैं। वो तो असली बात यह है कि कभी कभी दिल जोड़ने के लिए दिल तोड़ना पड़ता है और दिल तोड़कर जोड़ने वाले को पता नहीं क्या कहते हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आप नितिन को मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उसको सब कुछ समझा दूंगा। मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मुझे राज पर पूरा भरोसा है। मेरी बात का यकीन करो सीमा, राज तुम्हें धोखा दे रहा है। आज राज का बर्थडे है और मैं वहीं जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। चलो चलो। आगे 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 चुप गो।
अरे यार एकदम कमाल ही हो गया। नहीं, इधर से अंदर आई तो मेरा घर, उधर से अंदर आई तो आंखों के इलाज का हॉस्पिटल। कुछ भी कहो यार, सीमा से ज्यादा बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, एकदम डर। खुद कहने लगी, अरे जब आपको दिखाई नहीं देता तो आप हर चीज सही जगह पर कैसे रख लेते हैं? और मेरी खोपड़ी देखो, हाँ मेरी खोपड़ी देखो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं हर चीज अपने कदमों से गिनकर रखता हूँ। अबे देखो मैंने क्या नाटक किया उसके साथ है? मैंने उसको बोला देखो ये आगे 3 कदम पे टीवी है और पीछे 3 कदम पे आप। आप ही के बारे में बात कर रहे थे। शट अप, मैंने भी कहा इनको, लेकिन ओके बस पैसे के लिए इतना बड़ा नाटक किया, क्या नाटक, फिर इमोशंस के साथ खेला, कहां मिलता अंधा बनकर मुझे बेवकूफ बनाया। सच तो ये है कि अंधे तुम नहीं, मैं थी। मैं तो डॉक्टर को कितनी आसानी से तुम्हारी इन बातों पे यकीन किया तुम पर। ओके, तुमसे प्यार किया, सभी करती हैं। ओह गॉड, आई एम सच अ फूल कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। कोई बात नहीं, ये मेरे लिए बिना मौसम के बाद टाकी खाली हो गई है। डॉक्टर 5 मिनट की लेजर ऑपरेशन रहने दो सीमा, मैं बकरे और उल्लू की आंख से कब जला लूंगा। नितिन काम हो गया डैडी, काम हो गया। चुप बेवकूफ, डैडी मत बोल, अगर किसी ने सुन लिया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। एक बार ये लड़की तेरी हो जाए फिर देखता हूँ कि झुंझुन वाला की फाइल CBI तक कैसे पहुंचती है। चल अंदर चल। अरे पेप्सी पी पी के, अरे यार जल्दी हटाओ ना, जल्दी हटाओ, काम हो गया। थैंक यू मिस्टर बादशाह। हेलो मिस्टर झुंझुनवाला, आपने एक बाप का सपना पूरा कर दिया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे कोई बात नहीं, ये रहे आपके बाकी के 40,000। थैंक यू रामलाल, ये स्विस अकाउंट में डाल दो। ओके सर। वैसे सर, जिनकी जिंदगी छोटी होती है उन्हें बड़े बड़े वायदे नहीं करने चाहिए। जी अरे आपका है ना वो, ओह लेकिन अब फिकर की कोई बात नहीं है, अब आप जाइए और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कीजिए। गॉन, हे कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स। सीमा बहुत अच्छी लड़की, ऐसी लड़की किस्मत वालों को मिलती। बस तुम जाओ और उसे खुश रखना। ओके श्योर, ऑल द बेस्ट। श्योर चले अंकल। हाँ। एक एक मिनट, एक ये 25,000 रुपये मैंने आपकी बेटी से लिए थे ऑपरेशन के बहाने, और ये ऑल द बेस्ट। थैंक यू। या चले बादशाह भाई। पहली बार इस काम में मजा नहीं आया, लड़की का दिल तोड़ना नहीं चाहिए था, नहीं ऐसा मेरे को लगा। नहीं नहीं रामलाल, किसी का दिल जोड़ने के लिए कभी कभी दिल तोड़ना भी पड़ता है। अब देखो, अगर मैं उस लड़की का दिल नहीं तोड़ता तो वो अपने बाप की पसंद के लड़के से शादी करने के लिए कभी राजी नहीं होती। अपने को कॉन्ट्रैक्ट भी यही मिला ना, जिसके लिए इतने पैसे मिले। और देखो वैसे भी ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है।